नमस्कार दोस्तों, स्नेह सोलंकी का प्यार भरा नमस्कार और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने सोलंकीज गार्डन में। तो दोस्तों देखिए, मेरे बुद्धा जी कितने सुंदर दिख रहे हैं अपने वाटिका में बैठे हुए। और आज का जो मेरा टॉपिक है इन्हीं के ऊपर है। पहले भी मैं 2-3 वीडियो डाल चुकी हूँ और आप सबको बहुत पसंद आई, और उसी के बाद मेरे कई गार्डनर दोस्त भी और वैसे भी मेरे पास काफ़ी मैसेज आते रहते हैं कि मैम आपने स्टैचू कहाँ से ख़रीदा और इसका प्राइस क्या है और इसकी क्वालिटी कैसी है। तो जो मैं आज की अपनी वीडियो बनाने जा रही हूँ इसी के ऊपर है कि मैंने अपने महात्मा बुद्ध जी को कहाँ से ख़रीदा। तो फ्रेंड्स, स्टैचू जो है महात्मा बुद्ध जी का बहुत अच्छा है और स्टैचू की जो क्वालिटी है बहुत बेस्ट है। फ्रेंड्स देखिए, ऊपर छत पे कितनी धूप होती है गार्डन में, और उसके बावजूद भी देखिए बिल्कुल ऐसे ही शाइनिंग कर रहा है, कहीं से कोई डैमेज नहीं हुआ है, और जो वाटर फ्लो है वो भी बिल्कुल बेस्ट है इसका। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैंने इसको परचेज करके बहुत अच्छा किया है, और इसको लगाने के बाद मेरे गार्डन की शोभा बहुत बढ़ गई है। देखिए वाटिका में बैठे हुए कितने अच्छे दिख रहे हैं। फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसके साथ ये स्टैंड भी आया था, पर मैंने इसको लगाया नहीं क्योंकि ये मेरी वाटिका में सेट नहीं हो पा रहा था। तो इसका यूज़ मैं अलग किसी चीज़ डेकोरेशन में कर लेती हूँ, और यहाँ पे मैंने दूसरा स्टैंड लगा दिया है। अब मैं आपको बताना चाहूँगी इसके कलर। तो फ्रेंड्स इसमें 3 कलर आते हैं। मेरे पास ये स्टोन क्रीम है, और इसमें वाइट कलर भी आता है, डार्क ब्राउन भी आता है। तो वो आपके ऊपर है कि आप कैसा ख़रीदना चाहेंगे, और सारे कलर काफ़ी अच्छे हैं। अब फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसका मटेरियल ये मिट्टी वगैरह का नहीं है, ना ही प्लास्टिक का है, ये फाइबर का है, और फाइबर भी बहुत स्ट्रॉन्ग वाली फाइबर है। देखिए बिल्कुल मजबूत है, कहीं से भी डैमेज नहीं होता है, और इतनी धूप में रखने के बाद भी इसकी शाइनिंग देखिए बिल्कुल ऐसे ही बरकरार है। अब मैं आपको इसकी हाइट के बारे में बताना चाहूँगी। तो फ्रेंड्स ये जो मेरे पास है ये 3 फुट का है कम से कम, ये देखिए 3 फिट का है, और इसकी जो चौड़ाई है वो 1.5 फिट की है, और स्टैंड के साथ तो ये 5 फुट का हो जाता है। तो लंबाई इसकी 3 फिट की है, चौड़ाई 1.5 फिट की है, और स्टैंड इसका 2 फिट का है। तो कुल टोटल ये आपको 5 से 5.5 फुट के करीब मिलेगा। और इसमें साइज़ भी 2-3 तरीके के आते हैं, एक ये बड़े वाला साइज़ है, एक इससे छोटा भी आता है। पर फ्रेंड्स मेरे को बड़ा स्टैचू चाहिए था बुद्धा जी का, तो इसलिए मैंने ये बड़े वाला ख़रीदा है। आप कोई भी ख़रीद सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें जो लाइट लगी हुई है, तो फ्रेंड्स इसमें लाइट लगी हुई है, रात को तो ये लाइट इतनी फैल जाती है कि आसपास का मेरे गार्डन का काफ़ी एरिया कवर कर लेती है। और उस समय तो बुद्धा जी इतने सुंदर दिखते हैं, जो कि आप मेरी वीडियो में देख भी चुके होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि लाइट के साथ बुद्धा जी बहुत सुंदर दिखते हैं, और इसके आसपास लगे हुए मेरे प्लांट में तो जान आ जाती है, बहुत अच्छा बहुत सुंदर नज़ारा लगता है गार्डन का। अब फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये मेरे को कितने प्राइस में मिला था। तो फ्रेंड्स इसमें 2-3 प्राइस हैं। तो ये जो बड़े वाला साइज़ है ये मुझे 11,999 का पड़ा था, और जो इससे छोटे वाला साइज़ है वो 6,979 रुपये का है। तो फ्रेंड्स प्राइस में भी बिल्कुल बेस्ट है। मैंने काफ़ी जगह और भी पता करा था, पर वहाँ पे बहुत ही महंगे मिल रहे थे, और ये जहाँ से मैंने ख़रीदा है वहाँ पे ये बिल्कुल रिजनेबल प्राइस में मिला है मेरे को, और रिजनेबल प्राइस की वजह से फ्रेंड्स मेरे जो फैमिली मेंबर में भी 1-2 जनों ने और इसको परचेज किया है, क्योंकि उनको ये काफ़ी पसंद आया था। आप इसको अपने गार्डन में भी लगा सकते हैं, अपने घर की डेकोरेशन में भी लगा सकते हैं, जहाँ पे भी लगाएंगे उस कॉर्नर को, उस जगह को ये काफ़ी खूबसूरत बना देगा फ्रेंड्स। और देखिए जो इसका वाटर का फ्लो है कितना अच्छा है, मेरे को कभी भी इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आई है, पानी ऐसे ही गिरते रहता है। और जो इसमें मोटर भी लगी हुई है वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है, अभी 2 साल हो गए हैं, आज तक उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आई है, और इस वजह से, और ना ही वो लाइट ज़्यादा खाती है, पूरा दिन चलता रहता है, उसके बावजूद भी मोटर भी ख़राब नहीं है, और देखिए उसकी वजह से वाटर फ्लो भी कितना अच्छा गिर रहा है, और पानी गिरने की आवाज़ देख सकते हैं आप कितनी अच्छी लग रही है कानों को, और काफ़ी सुंदर नज़ारा दिखता है इस वजह से। तो फ्रेंड्स आप इसको ज़रूर ख़रीदिए,
मेरा मानना तो ये है कि चाहे आप इसको गार्डन में लगाएं, चाहे घर पर लगाएं, आप इसको ज़रूर परचेज कीजिए। और अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने इसको कहाँ से ख़रीदा है। तो फ्रेंड्स, इसको मैंने अमेजोन से ख़रीदा है और मेरे को बहुत ही अच्छी क्वालिटी में वहाँ से मिला है। और जो इसकी शिपिंग हुई थी वो भी बिल्कुल बेस्ट टाइम पे हुई थी, उसमें कोई देरी नहीं हुई है। तो मैं अमेजोन को थैंक यू करना चाहूँगी कि मुझे इतना अच्छा प्रोडक्ट देने के लिए और मेरे गार्डन की शोभा बढ़ाने के लिए। तो फ्रेंड्स, इसके मैं जो लिंक है वो दोनों आपके पास डाल दूंगी, जो छोटे वाला है उसका भी और बड़े वाला है उसका भी। अगर आप ख़रीदना चाहें तो अमेजोन से इसको ज़रूर ख़रीद सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको दोबारा बताना चाहूँगी कि जो मेरे महात्मा बुद्ध जी का स्टैचू है, इसकी क्वालिटी बेस्ट एंड बेस्ट है, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। और आप देख सकते हैं कि 2 साल होने के बावजूद भी कैसे बुद्धा जी ग्लो कर रहे हैं, चमक ऐसे ही बरकरार है। तो आप इसे ज़रूर खरीदिए अमेजोन से और मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये एक्सपीरियंस कैसा लगा और मेरी वीडियो की इन्फो कैसे लगी। तो फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बेल आइकॉन को दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।